ऑलराइट गाइस, तो जो हमारी एक ये थी ना, ट्रिप थी ना, लाइक बोट ट्रिप, काफी अच्छी थी। मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, सारे सीन्स मैंने आपको दिखाया, सनसेट सारी चीजों का। और अभी बोट यहाँ पार्क हो गई है, अभी भी निकलना होगा, हमें बाहर जाना होगा। चलते हैं बाहर, आ जाओ। एंड हाँ, मुझे जरूर बताना कि आपको पूरा वीडियो कैसा लगा, ट्रिप कैसी लगी। ओके, गुड मॉर्निंग। आज अरे हाँ चलो, आफ्टरनून, क्योंकि मैं तो भी नींद से उठा हूँ, तो मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, सबसे पहले एक ऑर्डर होता है वेज समोसा, तीन टमाटर, टमाटर सूप में वो ब्रेड क्रम्स वगैरह डालते हो, वैसा है या नॉर्मल है? कैसा है? ब्रेड वाला, ब्रेड वाला है ना। हाँ, समोसा में कितने पीस होंगे? येलो दाल है, दाल मखनी है, जीरा आलू है, दम आलू है, पनीर और आलू मिक्स, चना मसाला है, आलू बैंग। मतलब वो फीका होता है, कैसा होता है? पनीर होता है। आपको स्पाइसी चाहिए? तो मैं स्पाइसी इंडियन स्पाइसी, मतलब ये भी नहीं बहुत ज़्यादा। ओके, तो टेस्ट इंडिया वाला। आई थिंक आज हमारा पता नहीं कितवा दिन है, बट आज करना क्या हमें? कल तो बहुत घूमे भाई, मुझे तो नींद आ रही है ना, हटे हाल नींद आ रही है। और रात को क्या नींद आई है ना। मैं लिटरली गाइस, हम लोग कल कितने 3 बजे पहुंचे शायद होटल ना, 3:30 बजे हम लोग होटल पहुंचे। हम लोग ऐसी बाहर लाइक वॉक पे गए, यहाँ पे क्या एक्चुअली यहाँ पे रात नहीं होती ज़्यादातर, रात होती है बहुत लेट, रात होती है और सनसेट काफ़ी लेट होता है यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग ऐसे घूमते घूमते निकला और जब वापस आ रहे थे तब और सनराइज का टाइम हो गया था, तो आसमान थोड़ा सा लाइक ऐसा ब्लूइश थिंग हो गया था, तो लेटी यहाँ पे लोग ज़्यादा लेटी सोते रहे। हम लोग जब घूम रहे थे ना यहाँ पे, तो हमने चीज़ नोटिस की है सेंट पीटर्सबर्ग में यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है, कॉलेजेस ज़्यादा है। कल भी हम लोग जब वो बोट पे घूम रहे थे तो हमें कज़ान के लोग मिले, और कज़ान के लोग से हम लोग बेसिकली बातचीत कर रहे थे कि नॉर्मली वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, और कहाँ पे ज़्यादा पार्टी वगैरह करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। और वो पढ़ने आए थे तो कह रहे थे कि भाई हम लोग का लाइक कभी मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल पढ़ाई कर, दें सैटरडे संडे मौज मस्ती घूमना फिरना। तो हम लोग भी कल सैटरडे का, हम लोग भी कल बोट ट्रिप पे गए थे। आज हम लोग बोट ट्रिप पे जाएंगे, वो रहेगी इन सिटी, मतलब सिटी के अंदर की जो पूरे कनाल्स होते हैं ना, वहाँ से बोट निकलती है और आसपास जो भी चीज़ें होती है वो आपको देखना होता है, या कोई गाइड करोगे आपको, गाइड बताएगा कि ये बिल्डिंग ये है, ये मोन्यूमेंट ये है, ऐसा है वैसा, ये सारी चीज़ें। कल की जो बोट ट्रिप थी वो हमारी थोड़ी सी लाइक आउटर साइड की थी, ज़्यादा सिटी के बाहर नहीं थी, बट थोड़ा सा हम लोग मेरे ख्याल से फिनलैंड का वो भी टच करके आए ना, जो बॉर्डर होती, तो वो एक चीज़ था, वो भी काफ़ी सही था। 3:15 बजे हमारा दिन की शुरुआत हुई है, एंड वी ऑर्डर्ड सम इंडियन फूड, जिसमें समोसा हम लोग बताया मैंने, हम जहाँ भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, आप कहीं भी बाहर जाओ, इंडिया के बाहर कहीं भी जाओ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वापस जाके एक समोसा ऑर्डर करना है। तो वो समोसे जिस तरीके से बनाएंगे ना, समोसे में जो फीलिंग्स होती है और जो टेस्ट होता है समोसे का, उस समोसे से आप अंदाजा लगा लो कि वहाँ खाना कैसा होने वाला है, लाइक कितना स्पाइसी, कितना मीडियम स्पाइसी या नॉर्मल, ये सारी चीज़ें। हमने भी क्या ऑर्डर किया है, शिवम भाई, दाल तड़का, समोसे, चना मसाला, कोफ्ते और बटर नान और रोटी, और फिर दाल के साथ जीरा राइस वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब ऑर्डर किए। देखते जैसे ही आ जाएगा खा के बताएंगे कैसा लगता है खाना। वैसे हमने थोड़े बहुत रेस्टोरेंट चेक किए हैं, जिसमें से किसी का तो काफ़ी ठीक था, किसी का तो बहुत ही खतरनाक था। मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा बिल्कुल भी, बट आप खुद जब आओगे अब तब आप वो देख लेना। बट हाँ, कुछ तो अच्छे हैं, कुछ थोड़े से ठीक है, और ये थर्ड है मेरे ख्याल से, तो हम ये देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। और ये हमारे होटल से पास भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर यहाँ अच्छा लगता है खाना तो इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए या खाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ आसपास का यहाँ पे कैसा रेस्टोरेंट है।
गाइस मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपना ख़राब कर दिया खा खा के। मज़ेदार है ना भाई? मौज मौज भाई मौज। तो जगह जगह मैंने भी ऑर्डर हमने खाना मंगा लिया है और खाना यहाँ पे आया है। ये है ताबर का, ये है पनीर की कोई सब्जी क्या होगा क्या? वेज कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। पनीर मंगवाया था ना हमने, मलाई कोफ्ता। अच्छा ये मलाई कोफ्ता है और ये चना मसाला है वहाँ पे चट वो है अपना नींबू मिर्ची का अचार। ये यहाँ का कहते वो है मसाला पुलाव एंड दिस बटर नान, बटर रोटी बटर नान जो भी तुम कह रहे हो। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं और अभी हमने समोसा खाया है। समोसा भाई स्वाद था, मज़े आ गए समोसा खाने में और उससे ज़्यादा स्वाद था यहाँ पे टोमेटो सूप में। हाँ वो बहुत स्वाद था भाई। सो अभी स्टार्ट करते हैं लंच करना एंड मिलते हैं लंच के बाद। पार्टअप चल रहा है फुल। फोटो खिंचवाए बिना मत जाओ उसके साथ। हाँ। मेरी ले लेगा काम का ठीक है। वो बोलेगा कि बुला लो, बुला लो, बुला लो। फिर उसने बोला था चौकीदार पे खड़ा रहा जब तक मैं फोटो ना खिंचाओ होगा। ठीक है भाई ठीक है जब जोगे बुला लो इधर ही खड़े। ओके गाइस सो हम लोग ये बाहर आ गए खाना वाना खा के और मैं आपको प्लेस दिखाता हूँ ये प्लेस है कैसी। ठीक है साइकिलिंग करनी है मुझे भी गाइस काफी उल्टा हो रहा हूँ मैं। ये देखो प्लेस और हम लोग आ गए थे नमस्ते में। ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई डोंट नो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ये लिखा हुआ और ये दैट इज इंडियन रेस्टोरेंट। भाई तुम क्या कर रहे हो वो चीज, ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है। कैमरे के उस साइड दिख रहा है। ये बोल रहे कि ये बेस्ट अब तक का बेस्ट इंडियन फूड हमने खाया है भाई। रिकॉर्ड चल ही रहा है आज बोल रहा था। मैं व्लॉग कर रहा हूँ छोटे बच्चे आके मेरे देख रहे हैं। हाँ सो गाइस अब तक की बेस्ट, अब तक का बेस्ट मैंने क्या कहते हैं खाया पूरा इंडियन फूड यहाँ पे। क्योंकि एक हमने मॉस्को में खाया था, मॉस्को में एक है दरबार, तो दरबार वाज आल्सो गुड। उसमें काफी अच्छा फूड था, काफी अच्छा फ्लेवर था दरबार में भी। और एक हमने खाया अभी यहाँ पे नमस्ते में, तो ये भी काफी सही है, काफी अच्छा है। यहाँ का फूड काफी अच्छा था, स्पाइसी और सारी चीजें नॉर्मल थी। इतना कुछ हमें लगा नहीं कि यहाँ पे यू नो लाइक खाना पसंद नहीं आएगा जो नहीं होगा सारी चीजें। मेरे साथ ही करना है ये काम में।